कॉलेज को प्रायोरिटी दूंगा ओवर कोर्स, क्योंकि कॉलेज ही है जो आपकी लाइफ बनाता है। जो टीचर्स हैं वो आपको हर जगह सेम मिलते हैं, कि ब्रांड वैल्यू क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स क्या है, उसकी यू नो ओवरऑल जो लोकेशन है वो क्या है। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन और टू कोर्सेज कि भाई ये करना है। गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं CUET 2024 एस्पिरेंट्स के बारे में। वैसे तो यू नो यू गाइज आर फेसिंग थ्रू अ लॉट, इतना रिजल्ट डिले हो रहा है, इतनी चीज़ें आगे पीछे हो रही है, इतना वेट टाइम, आई मीन आई फील फॉर यू गाइज, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड आज की वीडियो कुछ यू नो ऐसी चीज़ पर है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, विच इज़ यू नो प्रेफरेंस लिस्ट में किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, कोर्स वर्सेस कॉलेज। येस दैट्स द टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो। वैसे मैं बता दूँ मैं कौन हूँ, दिस साइड श्रीधर राठी, एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, ग्रेजुएट हो चुका हूँ, आई होप पास भी हो जाऊँ। और यस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई डिड माई ग्रेजुएशन। वैसे अभी लग नहीं रहा कि पास आउट हो गया हूँ, और ऐसे मतलब यू नो वापस कॉलेज नहीं जाने को मिलेगा क्योंकि अभी समर वेकेशन का मोड चल रहा है, तो ड्यू ही बंद है, तो लग नहीं रहा कि यू नो कॉलेज नहीं जा रहे। बट यस नाता तो जाने के लिए तो कॉलेज अभी भी जा सकते, बट ऐसे नाता टूट गया, बट ऐसे हम कनेक्टेड है। तो या आई विल कीप पोस्टेड एंड आई विल स्टे अपडेटेड ऑनलाइन, एंड मिलेंगे यार, दिल्ली थोड़ी छोड़ता है। बाकी हम बात करें आज में, मैं बता रहा हूँ नंबर वाइज कि नंबर वन पे मुझे मिरांडा जाना है, नंबर टू पे SRCC जाना है, नंबर थ्री पे मुझे जाना है वीडियो की। सो इट्स ऑल अबाउट कॉलेज एंड कोर्सेज, हमें कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या कोर्स को, एंड उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है कि यू नो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम आ रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी कौन से कॉलेजेस होने चाहिए और कौन से कोर्सेज होने चाहिए। सो इसके लिए तीन स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एक कॉलेज की लिस्ट बना लो कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है, आप कहाँ रहते हो और आपके कॉलेज कितना दूर है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं है, बट यू नो ऑल द कॉलेजेस विच यू थिंक आर नाइस अकॉर्डिंग टू यू एंड विच यू कैन पुट इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। दिस इज़ अ लिस्ट जो आपको बहुत ज़रूरी है, एंड कॉलेज की लिस्ट जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यू नो अब लिस्ट में मैं बता रहा हूँ नंबर वाइज कि नंबर वन पे मुझे मिरांडा जाना है, नंबर टू पे SRCC जाना है, नंबर थ्री पे मुझे जाना है। और ये लिस्ट जो है वो आपके स्कोर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपका स्कोर चाहे 100 हो, 500 हो या 800 हो, आपकी लिस्ट आपके दिल के हिसाब से होनी चाहिए। इट्स लाइक आप क्या चाहते हो, ना कि यू आर नो वन टू जज कि आपको क्या मिलेगा। आपके अगर 100 नंबर आए तब आपको क्या मिलेगा, यू आर नो वन टू जज, एंड आपके 1000 नंबर 800 नंबर आए तब भी यू आर नो वन टू जज कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑन NTA। योर वर्क इज कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, जैसे कि एक यू नो होता है ना, हमारे जैसे लोग होते हैं वो भगवान के सामने बस इच्छा करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो उसके हाथ में हो उसको क्या देना है। वैसे ही हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास हाथ में है कि हमें इच्छा क्या है। अगर आपकी इच्छा एक साउथ कॉम कैंपस के नॉर्मल कॉलेज की है तो फिर आप वही करिए, पर आपकी इच्छा है कि आपको एक नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज चाहिए तो अपनी इच्छा भी वही रखिए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी उसी हिसाब से बनाइए। ठीक है, तो कॉलेज की एक प्यारी सी लिस्ट बनानी है सबसे पहले आपको, जिसमें आपको वो सारे कॉलेजेस रखने हैं जो आपको लगता है कि आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप जाने की इच्छा रखते हैं, एंड वो लिस्ट किस हिसाब से बननी चाहिए। तो देखो एकेडमिकली अगर आप DU आ रहे हैं तो मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं वो आपको हर जगह सेम मिलते हैं। यस दैट माइट साउंड अ डिफरेंट थिंग टू यू, आई मीन आपने कभी सुना नहीं होगा, बट रियलिटी यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स आर जस्ट द सेम इन एवरी कॉलेज। आपको ऐसा नहीं होगा कि SRCC में सारे 100 सारे बेस्ट टीचर्स मिलेंगे और एक दूसरे भाग्य निवेदिता या यू नो बिलो एवरेज कॉलेज में सारे गंदे टीचर्स मिलेंगे। हर जगह टीचर्स का हाल सेम है, एंड सेम का मतलब ये है कि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, ना सारे अच्छे हैं और ना सारे बुरे हैं। क्योंकि एट द एंड इट्स लाइक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं ना वो एक प्रोटोकॉल से आते हैं, एक लिस्ट से आते हैं, एक इंस्ट्रक्शन से आते हैं, इनका इंटरव्यू होगा, ये क्वेश्चंस होंगे, ये डिग्री का मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, ये सारी चीज़ें हर कॉलेज का जो टीचर होता है परमानेंट स्टाफ नॉन परमानेंट वो फॉलो करता है। उसके बिना कोई कॉलेज उनको एडमिशन देता ही नहीं है। तो या द टीचर माइट बी ओवर क्वालिफाइड, बट मिनिमम क्वालिफिकेशंस हर कॉलेज में सेम रहती है।
हाँ, अब टीचर का एक्सपीरियंस जो है हर कॉलेज में, क्यों ना, क्योंकि परमानेंट टीचर्स होते हैं तो वो एक्सपीरियंस अपने आप आ ही जाता है। तो अब अगर बात ये है कि एकेडमी के लिए हर कॉलेज सेम है, तो फिर हम लिस्ट किस हिसाब से बनाएं, तो वो लिस्ट बनती है, हाँ सच बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक पर्पज से आ रहे हैं तो कॉलेज का नाम बहुत कम मायने रखता है। फिर आप अगर आप कोई भी कॉलेज लोगे ना, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलनी है। पर डिफरेंस कहाँ आता है लिस्ट बनाने में, तो वो आता है आपकी ब्रांड वैल्यू में। उस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स क्या है, उसकी यू नो ओवरऑल जो लोकेशन है वो क्या है, ये सब चीज़ें जिस पर आपकी असली कॉलेज लिस्ट डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक यू नो कि आप अपने जब लोगों को बताते हैं कि आई एम फ्रॉम SRCC, आई एम फ्रॉम हिंदू, तो सुन के ही पहचान जाते हैं कि हाँ यार ये तो कोई अच्छे बैकग्राउंड से आता है, इसका कॉलेज बहुत अच्छा है। उसी तरह आप DU क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यू नो कि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। वैसे तो आप अपने लोकल कोई भी कॉलेज कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट एक ब्रांड वैल्यू है, एक नाम है कि अच्छा DU, JNU, इधर आप पढ़ते हैं तो अपने आपके नाम के साथ एक रिस्पेक्ट जुड़ जाती है, एक यू नो थप्पा लग जाता है कि बच्चे में कुछ तो बात है। वैसे ही एक DU में भी बेस्ट में पढ़ते हो तो थप्पा लग जाता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ तो बात है। तो ब्रांड वैल्यू कैसे पता करें कि भाई वो कॉलेज कितना पुराना है, उसकी क्या क्या खूबी है, उसके फैकल्टी कैसी है, उसके क्या क्या अपने कह सकते हैं सोसाइटीज़ है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, लोकेशन क्या है। अब लोकेशन से सबसे बड़ा बात मैं कह रहा हूँ वो है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में अगर आपका कॉलेज है तो 99% ऑफ द टाइम्स, ज़्यादा हो गया वैसे, 80% ऑफ द टाइम्स आपका कॉलेज बहुत अच्छा होना है। नॉर्थ कैंपस में भी एक दो कॉलेज है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, बट ठीक है, नॉर्थ कैंपस में है तो इज्जत देनी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड इट्स लाइक यू नो पीपल मेक प्लेसेस। और अगर आपकी जगह अच्छी है और लोग ख़राब हैं तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब ही होना है, पर आपके लोग अच्छे हैं और जगह भी अच्छी है तो एक्सपीरियंस 10 times बेटर हो जाना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीपल मेक प्लेसेस की, एंड पीपल बेस्ट आते हैं नॉर्थ कैंपस में। सो यू नो जो भी इंडिया के बेस्ट पॉलिटिशियंस हो गए, बेस्ट माइंड्स हो गए, उनके बच्चे जो होते हैं वो सब एक जो हब होता है ना, उधर आके पढ़ते हैं अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए, एंड दैट मेक्स द प्लेस मोर पावरफुल एंड मोर इम्पैक्टफुल। सो नॉर्थ कैंपस द बेस्ट, देन साउथ कैंपस, एंड देन ऑफ कैंपस के जो भी गिने चुने कॉलेजेस हैं उस पर आपकी लिस्ट जो है वो बनती है। अब वो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से क्या है, वो आगे आने वाले वीडियो में आप वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको वो सब डिटेल्स भी मिलेगी। बट सबसे पहले बात आपकी ये होनी चाहिए किस पर्पज़ से आप जा रहे हैं और क्या वो कॉलेज आपको पर्पज़ फुलफिल कर रहा है, हाँ या ना। यू नो कोई लोग सोसाइटीज़ के लिए जाते हैं कि आई एम गुड इन डांस, आई एम गुड इन म्यूज़िक, आई एम गुड इन यू नो नुक्कड़ नाटक हो गया, स्ट्रीट पे हो गया, तो मुझे वो सोसाइटीज़ देखनी है। तो जो भी कॉलेज आप जा रहे हो ना, उससे पहले ही आप थोड़ी रिसर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे आजकल सब टेक्स्ट सेवी होते हैं, जस्ट गो थ्रू इट एंड फाइंड कि आपका कौन सा कॉलेज क्या परस्यू करवाता है, क्या सोसाइटीज़ है। अगर आपको जॉब पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो फाइंड आउट क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या क्या आपके प्लेसमेंट सेल हैं, कोई UPSC, कोई CA, कोई कुछ भी कर रहा है, फाइंड आउट कि UPSC सेल है, CA के लिए कुछ है, क्या आप साथ में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें साथ में आपको देखनी पड़ती है, आपका पर्पस क्या है और क्या आपका वो कॉलेज वो पर्पस फुलफिल कर रहा है, हाँ या ना। स्टेप टू इज़ द कोर्सेज यू वॉन्ट डू, एंड कोर्सेज में अगर मैं अपना बताऊँ तो जैसे आई वॉज फ्रॉम यू नो कॉमर्स स्ट्रीम, तो मेरे लिए BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, BBA, BBE, BFIA और BA प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स के साथ, मैथ्स के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे ओपन थे। लाइक आई कैन डू एनी ऑफ इट, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मेरी एक्सपर्टीज में आती है। तो उसी प्रकार फाइंड आउट ऑल दी कोर्सेज जो आपको लगता है कि आपके यू नो एक्सपर्टीज में आप उनको कर सकते हो। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन और टू कोर्सेज कि भाई ये करना है। ऑल्सो एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि मैं तो सारे कोर्सेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि भाई मैं कॉमर्स का हूँ फिर भी मेरे को हिंदी ऑनर्स भी करना है, मुझे यू नो BSc भी करना है, क्योंकि अब NEP से तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी करने बैठ जाओ। यू नो यू नीड टू हैव अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड सिलेक्टिव अप्रोच कि हाँ ये करना बेस्ट रहेगा। मैं खुद का एग्जाम्पल बताऊँ ना, तो इट वॉज लाइक कि हमारे अब तो जैसे NEP का नहीं पता, बट मेरे को अपने पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी पढ़ना पड़ा था, एंड इट वॉज वेरी टफ फॉर मी क्योंकि मेरे को नहीं पसंद, 10th के बाद मैंने पढ़ी नहीं, फिर भी हमें पढ़नी पड़ रही थी। तो अगर अब मैं सच बताऊँ तो
मेरे 12th में 95 अराउंड कुछ आए थे, एंड मेरे को आसानी से यू नो हिंदू हंसराज में हिंदी ऑनर्स मिल सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। वो मैं करूँगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं फ्यूचर में मेरे को जॉब मिलेगी उसमें क्या होगा, या मैं यू नो मास्टर्स करूँगा या क्या करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक कोर्स सिलेक्ट करने से पहले पता करनी पड़ती है, उसकी उस कोर्स की ब्रांड वैल्यू क्या है, जॉब मिलेगी उसमें आपको मास्टर्स करनी है, या वो कोर्स सिर्फ नाम का है और आप कुछ साइड में प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम परस्यू करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर रहे हो साथ में बहुत ही टफ डिग्री ले लो जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो फिर असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सिंपल डिग्री और एक अच्छे कॉलेज में साथ में एक बैकअप आपका जो यू नो यूपीएससी या कुछ भी है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम करते हैं कई बार। तो वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि किस कोर्स में क्या सिलेबस है, क्या टाइम दोगे। ऑल्सो डू नॉट मेक योरसेल्फ वेरी रिस्ट्रिक्टिव कि मैं तो बीकॉम का हूँ तो मैं तो सिर्फ यही 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 कोर्स कर सकता हूँ, पाँच छः नहीं। मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा एग्जाम्पल बताऊँ, नहीं बाहर जा, मना किया था ना आने से। तो या मैं खुद का एग्जाम्पल बताऊँ, सो आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बट मैंने सिलेक्ट किया आर्ट्स, आई मीन पॉलिटिकल साइंस। तो इट वॉज अ स्ट्रीम चेंज, बट यू नो आई नो कि आई नीड टू पिवट, आई नीड टू चेंज। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है एंड मुझे अब ये बी कॉम अकाउंट्स नहीं पढ़ना। सो दैट्स अप टू यू, आपको अपने इंटरेस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाओ कि अरे यार फिलोसॉफी ये तो कभी 11th 12th में पढ़ी नहीं है, इसको क्या करूँगा पढ़ के, या फिर जर्नलिज्म हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़े हुए बट कॉलेज में आके आपको पता चलता है। तो उनको भी गो थ्रू करो, उनके भी सिलेबस को देखो कैसा लगता है, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, एंड अपने प्रेफरेंस में रखो क्योंकि बैकअप होना चाहिए। इसलिए स्टेप टू आपका यही रहेगा कि मेक अ लिस्ट, मेक अ सिलेक्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज यू कैन डू, एंड उसकी भी अगेन प्रेफरेंस में। जैसे अब मैं कॉमर्स का हूँ तो डेफिनेटली एक नॉर्मल कॉमर्स वाले की प्रेफरेंस में सबसे पहले बी कॉम और फिर बाकी सारे कोर्सेज होंगे। बट ओके, अब मेरे को जो पसंद था, आपकी पसंद पर, मेरे को पसंद था पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, तो मैंने फिर उसके हिसाब से प्रेफरेंस बनाई। बी कॉम को भी रखा क्योंकि एट दी एंड अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बी कॉम तो करना ही पड़ेगा, पर वो नीचे था। तो इस प्रकार एक कोर्स की भी प्रेफरेंस लिस्ट और एक कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट, ये दो प्रेफरेंस लिस्ट बन गई। और तीसरा स्टेप है सबसे मुश्किल, वो है कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को मिक्स करना। जी हाँ, और वो कैसे होगा, तो वो सबसे मुश्किल पार्ट जो है उसमें आपको जस्ट ट्रस्ट करना है अपने इंस्टिंक्ट्स को। टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा एक कॉलेज को प्रायोरिटी दूंगा ओवर कोर्स, क्योंकि कॉलेज ही है जो आपकी लाइफ बनाता है। कोर्स तो इज जस्ट यू नो सपोर्ट एंड हेल्पिंग हैंड, बट अगर एक कॉलेज अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैकल्टी, उसका ओवरऑल एटमॉस्फेयर, जिस तरह वो आपको डेवलप करेगा पर्सनैलिटी वाइज, यू नो ब्रांड वैल्यू जो कहता हूँ मैं, तो वो कैसे आती है। अगर आपका कॉलेज मिरांडा है तो अपने आप 10 स्पॉन्सर्स आएंगे आपके कॉलेज में, 10 इवेंट्स होंगे, फेस्ट होंगे, इवेंट्स के नाम पे फेस्ट ही होते हैं वैसे ड्यू में, ठीक है, या बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, लेक्चर्स होंगे, या यू नो प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे। तो ये सब चीज़ें कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड करती है। हाँ, अब आप यू नो मिरांडा से हो पर फिर भी आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जो कि डिमांडिंग नहीं है, जैसे इंग्लिश ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ इसमें प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी, प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। बट या वो कोर्सेज ही ऐसे जिसमें आपको मास्टर्स करके खुद से कुछ अप्लाई करना पड़ता है, इतना डायरेक्ट प्लेसमेंट्स नहीं है। तो हर कोर्स का अलग अलग है, बट अगर कोई आपका बी कॉम ऑनर्स है और आप SRCC LSR में हो तो डेफिनेटली यू विल गेट कंपनीज टू वर्क फॉर, एंड या दैट्स हाउ यू सम अप। सो अगर मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली क्या बनाऊंगा लिस्ट को एज अ बी कॉम ऑनर्स स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बी कॉम ऑनर्स के टॉप 10 कॉलेजेस रखूंगा, ठीक है, फिर मैं बी कॉम से नेक्स्ट जो बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है, जैसे मुझे बी कॉम प्रोग्राम लगता है तो मैं उसके अंदर टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस रखूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर रखूंगा मेरी थर्ड प्रेफरेंस जो है उसके टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस, ये तीन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, वापस जो मेरा नंबर वन कोर्स प्रेफरेंस है बी कॉम ऑनर्स, उसके मैं नेक्स्ट 10 टॉप कॉलेजेस रखूंगा। टॉप 10 में आपके नॉर्थ कैंपस के 10 कॉलेजेस आ गए, उसके बाद साउथ कैंपस के टॉप 10 कॉलेजेस,
वैसे वैंकी जो है नॉर्थ कैंपस में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है वो लिस्ट वाइज मैं अलग से ही बताऊंगा, बट ठीक है साउथ कैंपस के नेक्स्ट 10 बेस्ट कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स में, फिर साउथ कैंपस के नेक्स्ट टॉप 10 कॉलेजेस बीकॉम प्रोग्राम में, और इस प्रकार सो एक मिक्स एंड मैच रहेगी जिसमें कॉलेजेस जो है उसको प्रायोरिटी मिल रही है विद अ मिक्स ऑफ कोर्सेज. तो दैट्स हाउ समवन शुड मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट लाइक, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है. और आपका एनवायरनमेंट जो है आई बिलीव दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट जो है आपको नॉर्थ कैंपस में मिलता है. आई मीन डेफिनेटली ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा भीड़ भी वहीं होती है, मेट्रो स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, या फिर यू नो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ पर होनी है इलेक्शन के टाइम तो भी वही होनी है, ट्रैफिक जाम भी वही होना है, फेस्ट के टाइम हर चीज़ वही होनी है. तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग दैट शाइन्स इज ग्लिटर, दिक्कतें वहाँ पर भी है, बट वो दिक्कतें जो हैं वो अगर ये है तो जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर है रूफ पार. तो इसलिए मतलब वो चीज़ को देखकर ये चीज़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगेन एक छोटी सी जगह पर अगर इतने सारे कॉलेजेस हैं तो पीजी फ्लैट्स के लिए कंजेशन होता है, प्राइसेस हाई जाती है, बहुत मारामारी रहती है, शेयरिंग कैसे होगा क्या होगा, तो ये सब चीज़ें है. वो सब चीज़ों का बेनिफिट भी आपको फिर उस लोकेशन के हिसाब से मिलता है, वो कॉलेज में आपको फैकल्टी प्लेसमेंट्स एक्सपोजर. सो दैट्स हाउ यू शुड चूज कॉलेज ओवर कोर्स, बट एट द सेम टाइम डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कोर्स. ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदू चाहिए तो मैं हिंदी ऑनर्स पढ़ लूँगा एक अकाउंट स्टूडेंट, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, बहुत ही माइंडफुल डिसीजन लेना है. क्योंकि अगर आप एकेडमिकली आ रहे हैं, एक अपना गोल सेट कर लेना कि मुझे चाहना क्या है, मैं क्या चाहता हूँ इस कॉलेज से या क्या चाहती हूँ उस कॉलेज से. अगर मुझे एकेडमिक चाहिए, सच बता रहा हूँ कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, अगर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है. बट मेरे को पता है देखो पढ़ाई सिर्फ से नहीं होता, अगर आप ड्यू आ रहे हो तो फन मस्ती सोसाइटीज़ थोड़ा ड्रामा हर चीज़ चाहिए, तो अगेन उधर ही मिलेगा आपको एक नॉर्थ में. साउथ में भी थोड़ा बहुत है पर सेकंड बेस्ट है वो, फर्स्ट हमेशा नॉर्थ ही रहेगा. तो वो सब चीज़ों का मिक्स है. तो हमेशा यू नो अपनी प्रायरिटीज़ देखकर लिस्ट बनाना. और बिल्कुल आई कीप कॉलेज ओवर कोर्स अगर मैं अपनी बात बताऊँ, क्योंकि बट इतना भी नहीं, अगेन जो मैंने बताया उस हिसाब से लिस्ट बनानी है कि पहले बेस्ट कॉलेजेस उनके अंदर बेस्ट कोर्स, फिर बेस्ट कॉलेजेस उनके अंदर सेकंड बेस्ट कोर्स, एंड बेस्ट कॉलेजेस उनमें थर्ड बेस्ट कोर्स, एंड ऐसे ऐसे फिर चलेगा. तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर लिस्ट. एंड एक स्पेशल चीज़ जो मैं बार बार अब आगे वाली वीडियो में बोलूँगा कि आप अपनी लिस्ट सेम बनाना, चाहे आपके 200 मार्क्स आ रहे हो या 500 मार्क्स आ रहे हो, लिस्ट विल रिमेन द सेम. यू आर नो वन टू जज कि आपको 500 में SRCC नहीं मिलना तो मुझे SRCC को लिस्ट में ही नहीं रखना चाहिए, नहीं आपको फिर भी SRCC को नंबर वन ही रखना है. एंड बहुत सारे और इनसाइट्स है जो मैं दूंगा बहुत जल्द, बट तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड जो भी डाउट्स हों, जो भी यू नो चीज़ें हों जिसपे मैं वो और कवर करना हो, वैसे बहुत DMs और यू नो ईमेल्स इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं तो उन सबको कवर करना बताए, बट और भी कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हर चीज़ कवर की जाएगी. एंड आपका CUET वाले भैया आपके साथ हैं आखिर तक. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.